राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय पुजली खलाड़ी के अंतिम वर्ष विदाई समारोह में सज धज कर पहुंचे छात्र छात्राएं। प्रधानाचार्य सीबी बिजलवाल ने कहा, शिक्षक ही नहीं शिक्षा का स्वरूप भी बदल रहा है। जी, वैसे तो आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी सोच थी एक सरकारी स्कूल के प्रति, उसमें बिल्कुल ये स्कूल उससे अलग नज़र आया। जो यहाँ का माहौल देखने को मिला, ऐसा कम ही मिलता है सरकारी स्कूलों में। तो क्या प्रेरणा है गुरु जी, क्या ये सरकारी स्तर पे कार्य हो रहे हैं या शिक्षकों के स्तर पे कार्य हो रहे हैं या अभिभावक के लोगों की प्रेरणा से इस बार शिक्षा का स्तर सुधार हो रहा है? शिक्षा में कई फंक्शंस होते हैं, अभिभावक, छात्र, अध्यापक, समाज, ये सब जो है शिक्षा की एक कड़ी है और इनके बिना कोई भी अगर एक चीज़ निकल जाए तो शिक्षा असंपूर्ण नहीं हो सकती है। यहाँ पर सभी का हमें सहयोग मिलता है, अभिभावकों का और जो हमारी शिक्षा समिति है उसका हमें जो है भरपूर सहयोग मिलता है। जो मेरे साथ स्टाफ है, स्टाफ मेरे साथ बहुत अच्छा है और बहुत मनोयोग के साथ वो काम करते हैं, जिससे आज आप देख रहे हो कि विद्यालय में वो चीज़ें सब दिख रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें व्यक्तिगत रूप से भी करनी पड़ती हैं। सरकार हमें सहयोग करती है लेकिन उतना सहयोग नहीं हो पाता है जितना हमारी आवश्यकताएं होती हैं। परोला तहसील के अंतर्गत राज्य के आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय पुजेली खलाड़ी में आज कक्षा 8 की परीक्षा दे चुके छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह को यादगार बनाते हुए साथ ही के प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य व अध्ययनरत छात्र छात्राएं भी स्कूल से विदा हो रहे छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देने पहुंचे। अब आप यहां पे देखेंगे कि जो पेंटिंग हुई है ये मैंने अपने अलग से उससे किया है। जो भी काम है वो व्यक्तिगत रुचि लेकर के भी अच्छे काम किए जा सकते हैं और हमारे बहुत से अच्छे अध्यापक हैं, कर्मठ अध्यापक हैं जो इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं। मन में बहुत से उमंगे लिए आज अपने स्कूल व शिक्षकों का धन्यवाद करने खूब सज धज कर पहुंचे छात्र छात्राओं ने जमकर लोक नृत्य किए। छात्रों का जो विकास करने के लिए, शैक्षिक विकास करने के लिए आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहली बात यह है कि बच्चे को हम उनकी मूल अवधारणाओं को कैसे समझा पाए, उसके लिए हम TLM का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम नवाचार का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम नेट का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जोड़ करके हम बच्चों को एक नई विधा की ओर, नई जो हमारी संस्कृति जो चल रही है, नई टेक्नोलॉजी जो चल रही है, जो आज जो तकनीकी का युग आ गया है, उस इन सबको जोड़ करके हम चल रहे हैं। अगली कक्षाओं में सफलता के लिए अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। प्रधानाचार्य सीबी बिजलवाल ने कहा कि शिक्षकों व अभिभावकों के सहयोग से हम लगातार उच्च कोटि की शिक्षा अध्ययनरत छात्र छात्राओं को दे रहे हैं। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय शिक्षक और छात्र के बीच में बड़ी दूरी होती थी। आपको पता है कि उस समय आधे लोग तो पिटाई के डर से स्कूल ही छोड़ देते थे, यानी कि कक्षा 5 तक की पढ़ाई नहीं कर पाते थे। अब क्या परिवर्तन आया है शिक्षा के स्तर में? शिक्षक और छात्र के बीच का जो अब परिवर्तन है, रिलेशन है, संबंध है, वो क्या है अब? अब मैत्रीपूर्ण शिक्षा, शिक्षक और जो छात्र हैं उनमें मैत्रीपूर्ण, मैत्रीभाव से जो काम होता है, यहाँ पे जो है डरा करके, धमका करके या उनको जो है भय दिखा करके जो है शिक्षा नहीं दी जाती है। और सरकार का भी यह उद्देश्य है कि भय मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। जो हमारे टाइम पे होता था बच्चों के साथ जो दंडात्मक कार्यवाही होती थी, उससे कई बच्चे जो स्कूल भी छोड़ देते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आप देखेंगे हमारे साथ बच्चे ऐसे रहते हैं जैसे दोस्त के साथ रहते हैं और इस विचारधारा से ये होता है कि बच्चे अपने मन की बात को रख सकते हैं। यदि भयमुक्त समाज होगा, भयमुक्त यदि हमारे बच्चे होंगे, हमारा विद्यालय होगा, तो अपने मन की बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि वो भयभीत होंगे तो अपने मन की बात हमें नहीं बताएंगे और जब तक उनकी बात, उनके मन की बात, उनके विचार हम नहीं सुनेंगे तब तक हम उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। हम ट्रीटमेंट तभी करेंगे जब हम उनकी बात को सुन पाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश सदैव अपने विद्यालय को देश में चल रहे प्राइवेट स्कूलों से सर्वश्रेष्ठ बनाने की रही है और इसमें हमें सफलता भी मिल रही है।